धीरे धीरे कई चीजें बाहर आ रही है। इनके जो व्यापारी मित्रों का जो घोटाले है वो इस कदर घोटाले सामने आ रहे हैं और इतना डरावना भयावना है कि दो चार घोटाला और इस तरह का हो गया तो हम लोग का भी स्थिति श्रीलंका जैसा हो जाएगा। इस देश का भीख मांगने लगेंगे यहां पर लोग। ये स्थिति हो जाएगा। गरीबों को तो कुछ दिया नहीं लेकिन आपसे छीन कर जरूर अपने व्यापारी मित्रों का जेब भरने का काम हुआ है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र का लोग किसान मजदूर का बेटा नौकरियों में कहां जाता था सबसे अधिक? फौज बनने के लिए, फौजी बनने के लिए। लेकिन आज फौजी का क्या स्थिति है? आज कौन अग्निवीर की क्रांतिवीर क्या लेके आ गए? मात्र 4 साल का आपको नौकरी मिलेगा फिर बेरोजगार हो जाइए। वहां भी अब नौकरियां आप मोटा मोटी खत्म। और थोड़ा बहुत जो हमारा मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख लेता था तो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था, बैंक में काम करने जाता था नौकरी करने। लेकिन बैंक भी जहां 200 बैंक हुआ करता था आज 50 बैंक कर दिया। नौकरी मिलेगा कहां? रेल का स्थिति यह है कि सब रेल बिक चुका है, रेलवे स्टेशन बिक चुका है और आज आप लोग खुद गवाह है। जो 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 टका का नमक आज 50 टका किलो नमक मिलता है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया ये लोग, उसमें रॉकेट इंजन लगा दिया। और दूसरा देश में हंगामा होता है तो बोलता है कि वहां पर हंगामा हो रहा है इसलिए यहां महंगाई बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 450-450 रुपया सिलेंडर मिलता था, आज बताओ सिलेंडर कैसे मिलता है? 1000 रुपया 1200 रुपया से कम नहीं मिलता। शुरू में पूरा घड़ियाली आंसू बहाया ये लोग, यहां के महिलाओं को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब सिलेंडर खत्म हो गया बेचारा वो गरीब सिलेंडर खरीदने का क्षमता खो दिया और नतीजा ये हो गया उस सिलेंडर में कपड़ा रख देता है या फिर कोई बांस का डलिया पलिया रख करके वहां किनारे में सजा दिया। अजीब स्थिति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।